दोस्तों अगर आप थक चुके होंगे एक ऐसा पोर्टल तलाश करते करते जहां पर कि आप अपने वोटर कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड ऑटोमेटिक बिल्कुल फ्री में प्रिंट कर सको, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे पोर्टल के बारे में, आप उस पोर्टल पर जाकर के अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड पैन कार्ड बिल्कुल फ्री में और वो भी ऑटोमेटिक अपना डॉक्यूमेंट नंबर डालकर प्रिंट कर सकते हो विद इन ए सेकंड। आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर कार्ड के साथ साथ इस पोर्टल पर आपको राशन कार्ड की सर्विसेज भी मिल जाएगी और जो और अदर ईडीएसटी की सर्विसेज है वो भी मिल जाएगी। इस पोर्टल की खास बात यह है कि यहां पर आपको मैनुअल की कोई भी झंझट नहीं मिलेगी, हालांकि दोनों ऑप्शन मिलेंगे मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी। एज यू बीस क्या आप कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, तो क्या आप तैयार हो जानने के लिए कि वो पोर्टल कौन सा है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप इस पोर्टल पर आ जाओ। हम इसको बारी बारी करके यहाँ पर देखते हैं कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी एंड उनको कैसे आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना है, यहाँ पर आपका लिंक देख पा रहे होगे vantageprint.com एंड इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सबसे पहले आप यहाँ पर होम पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ मेनू दिखाई दे रहे होंगे, होम, लॉगिन, कॉन्टेक्ट अस, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड रिचार्ज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्टेक्ट अस पर, तो यहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा एंड एक कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, यानी कि अगर आपको पोर्टल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर अपनी आईडी क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ज्वाइन होना है एज ए रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर एडमिन। अब मैं इसको बताता हूँ होता क्या है। देखिए रिटेलर में आप खुद यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर में आप अपने अंडर में रिटेलर एड कर सकते हो अनलिमिटेड एंड उनसे पैसे लेकर के आप अपने पॉकेट में रख सकते हो। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसे ही है, इसके अंदर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर एड कर सकते हो और पार्टनर एडमिन के अंदर आप ये तीनों ही को ज्वाइन करा सकते हो। तो हम यहाँ पर रिटेलर पर क्लिक करेंगे एंड रिटेलर की आईडी क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ एंड यहाँ पर उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नंबर टाइप करना है जो भी आपका मोबाइल नंबर है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अपना विलेज डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। एंड मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है, इस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पर वो सबमिट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रेड कलर में आपका लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड मिल जाएगा, यानी कि लॉगिन आईडी को और इस पासवर्ड को आपको नोट डाउन करके रख लेना है कहीं पर भी या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं जो पासवर्ड है ये आपका मोबाइल नंबर ही आपका पासवर्ड बाय डिफॉल्ट बन जाता है। एंड यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब भी आप इस आईडी को यूज करो तो आपको फ्यूचर में कभी भी अपना पासवर्ड को रिसेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड एक बार यहाँ पर रिसेट हो गया तो वो आईडी आपकी बेकार हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसलिए आपको जब भी फ्यूचर में आप अपनी आईडी को यूज करो तो आपको पासवर्ड रिसेट नहीं करना। तो चलिए मैं इसको नोट डाउन करके अगेन यहाँ पर क्लिक हियर करके लॉगिन पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आपको आपकी जो आईडी मिली थी वो डालना है और यहाँ पर आपको जो पासवर्ड मिला था वो टाइप करना है, सिंपल लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई देगा, तो आपको फिलहाल इसको इग्नोर करना है। मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर हम अलग जगह पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। तो देखिए जो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि जो भी आपको कॉइन मिलेंगे इस पोर्टल को यूज करने के लिए, वो यहाँ पर शो होंगे टोटल पॉइंट्स के अंदर। तो आइए बारी बारी करके जानते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स मिल जाएंगे, जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक के लिंक्स दिए गए हैं, जहां पर जाकर के आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, ऑटोमेटिक का और मैनुअल का। मैंने बताया था यहाँ पर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों। एज यू विश आप कौन सा यूज करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक पर क्लिक करोगे तो आपको इसको इग्नोर करना है एंड डायरेक्टली अपना आधार कार्ड डालोगे, सबमिट पर क्लिक करोगे, आपका ये डेटा को फेच करके आपको देगा, आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे, आपका वोटर कार्ड प्रिंट हो जाएगा। वापस आपको यहाँ पर आना है एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड इंसर्ट होया हुआ मिलेगा एंड उसी तरह से आप न्यू आधार पर क्लिक करोगे तो इसको इग्नोर करना है, जनरेट न्यू आधार पर क्लिक करना है अगेन एंड इसको पॉपअप को इग्नोर करना है एंड यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की सारी डिटेल टाइप करनी है। सारी डिटेल टाइप करके इंसर्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक मैसेज शो होगा योर इंसर्टेड सक्सेसफुली एंड अगेन आपको आधार कार्ड पर आना है, न्यू आधार पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपका आधार कार्ड इंसर्ट होगा मिल जाएगा, आप प्रिंट पर क्लिक करोगे आपका आधार कार्ड प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद में आप वोटर कार्ड प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे, न्यू वोटर कार्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मैनुअल प्रिंट करने का ऑप्शन दिया गया है, जनरेट न्यू वोटर कार्ड पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल टाइप करनी है। अगर आपको ईसीआई पोर्टल से फाइंड करना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, एचटीएमएल फाइल को सेव करोगे, यहाँ पर अपलोड करोगे तो ये डिटेल आपकी सारी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इंसर्ट पर क्लिक करोगे इंसर्ट हो जाएगा,
मिलेगा। प्रिंट करने के लिए आपको वोटर कार्ड पर जाना है एंड न्यू वोटर कार्ड पर क्लिक करोगे एंड इसको इग्नोर करना है एंड यहाँ पर आपका वोटर कार्ड इंसर्ट हुआ वो मिल जाएगा। आपको प्रिंट करके प्रिंट कर लेना है एंड इसी तरह से आपको ऑटोमेटिक वोटर टू का ऑप्शन मिलेगा। आपको अपने एपिक नंबर डालना है, सबमिट करोगे, आपकी डिटेल फैच करके आ जाएगी, आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे, आपका वोटर कार्ड प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड का न्यू पैन पर क्लिक करोगे तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं पैन कार्ड के यहाँ पर ऑटोमेटिक सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, पैन कार्ड आपको मैनुअल ही प्रिंट करना है। तो जनरेट न्यू पैन कार्ड पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको नाम, पैन कार्ड नंबर, फादर नेम, डीओबी एंड अपना फोटो लगाओगे, सिग्नेचर लगाओगे, इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो ये आपका पैन कार्ड प्रिंट होकर के आपके सामने आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आपकी ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज मिल जाएंगी एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक मैसेज दिखाई दे रहा है जहां पर इसके अंदर बताया गया कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दी गई है जिनको आप इजिली यूज कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों ये एक इंटरफेस है इस पोर्टल का कि आप इस तरह से इस पोर्टल को इजिली यूज कर सकते हो एंड ये सर्विसेज इस पोर्टल पर अवेलेबल है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इस आईडी को आपको एक्टिवेट कैसे करना है, क्योंकि जब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर क्लिक करोगे तो आपका आईडी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन इस आईडी को यूज करने के लिए एक्टिवेट कैसे करना है, इसके अंदर आपको कॉइन कैसे मिलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, आने के बाद में यहाँ पर आपको पॉइंट्स कैसे मिलेंगे एंड देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको बार बार पॉपअप नजर आ रहा है एंड जब तक ये पॉपअप नहीं हटेगा तो यहाँ पर आप कोई भी आधार कार्ड प्रिंट नहीं कर सकते, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉपअप को हटाना बहुत ही जरूरी है। अब ये पॉपअप कैसे हटेगा इस आईडी को एक्टिवेट करने के बाद, आईडी एक्टिवेट कैसे करनी है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपने जो भी आईडी क्रिएट की है, चाहे रिटेलर की हो, डिस्ट्रीब्यूटर की हो, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर लिया और आप उसको रिटेलर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर रिचार्ज नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए कोई सा भी पोर्टल पर अगर आप प्रिंट पोर्टल पर जाओगे तो वहां पर आपको 300-500 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है और कोई भी कार्ड प्रिंट करने के बाद एक बार रिचार्ज कर दे उसके बाद जो भी आप कार्ड प्रिंट करोगे उसका आपको हिडन चार्ज देना पड़ेगा 10-20 रुपए, लेकिन यहाँ पर आपको हिडन चार्ज नहीं मिलेगा और सिर्फ 199 रुपए में आपको अनलिमिटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनका आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो और ये लाइफ टाइम आईडी आपके रहने वाली है, यानी कि सिर्फ 199 रुपए में। एंड डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करोगे तो 399 रुपए में अनलिमिटेड पॉइंट्स मिलेंगे, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर 799 रुपए अनलिमिटेड पॉइंट एंड ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ समय के बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आपको 199 रुपए में सिर्फ 100 पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें आप 100 कार्ड्स प्रिंट कर सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा, अभी इसको कैश कर लीजिएगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपल रिचार्ज नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पर ये क्यूआर कोड देख पा रहे होंगे आप, इस क्यूआर कोड को आपको अपने किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करना है एंड स्कैन करने के बाद में इस पे 199 रुपए या फिर 399 रुपए जो भी आप आईडी को रिचार्ज करना चाहते हो उतना रिचार्ज आपको इस पर करना है। करने के बाद में ये आईडी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। इन केस अगर आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होती है तो आपको सिंपल यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस वाले ऑप्शन पर जाना है एंड ये जो पोर्टल की टीम है इससे आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है एंड ये आपकी आईडी इंस्टेंटली एक्टिवेट कर देगी। बस आपको अपना स्क्रीनशॉट और आपकी जो यूजर आईडी है वो इसके व्हाट्सएप पर सेंड करनी है एंड ये टीम आपकी आईडी को इंस्टेंटली एक्टिवेट कर देगी, जिसके बाद आप अपनी सर्विसेज को इजीली यूज कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।